जैसे आप भी अपने लैपटॉप से यहाँ पे परेशान हो चुके हैं, जब आप यहाँ पे गेम खेलते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, यहाँ पे एडिटिंग करते हो और कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज करते हो, तो आपका लैपटॉप यहाँ पे बिल्कुल स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो भाई आज की वीडियो में जो मैं आपको यहाँ पे इस लैपटॉप का सोल्यूशन जो है बताने वाला हूँ, जो आपका लैपटॉप यहाँ पे 7-8 साल पुराना है, तब उसमें कहीं यहाँ पे SSD नहीं आती थी, और जो पुराना लैपटॉप उसमें यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव आती थी, जो कि ये हार्ड डिस्क ड्राइव काफ़ी स्लो है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्लो यहाँ पे देती है। तो आज की वीडियो में जो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में यहाँ पे SSD इंस्टॉल करने वाला हूँ, और वो जो है आपको प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊँगा कि आप अपने लैपटॉप में यहाँ पे SSD जो है कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई सा भी लैपटॉप, एनी फोन लैपटॉप, बस आपको यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो जो मैं आपको अभी बताऊँगा वीडियो में। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो में बने रहना। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस ये जो है SSD जो मैं इस पर इंस्टॉल करने वाला हूँ, डब्लू ग्रीन की। तो गाइस आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से यहाँ पे SSD इंस्टॉल करने वाला है, अदर ब्रांड आप कोई सी यहाँ पे SSD यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रिशल की, डब्लू ग्रीन की, और यहाँ पे HP की भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं, जैप्रोनिक्स की भी आप यूज़ कर सकते हैं। और गाइस इसके लिए आपको चाहिए होगी एक कैडी, तो गाइस आप देख सकते हैं कैडी आपको कुछ हिसाब से आप देखने को मिल जाएगी। और गाइस ये कैडी का जो साइज़ है 9.5 mm है। ओके जी कैडी है मेरे यहाँ पे डीवी राइटर में यहाँ पे लगेगी, क्योंकि आज के समय में यहाँ पे डीवी राइटर यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं करता, तो इसमें जो हम यहाँ पे कैडी को इंस्टॉल करने वाले हैं डीवी राइटर की जगह, डीवी राइटर को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। और गाइस अगर आपको यहाँ पे जानना है कि आपका डीवी राइटर यहाँ पे कौन सा है और किस साइज़ का है और किस हिसाब का यहाँ पे कैडी यहाँ पे मंगानी है और कितने MM की, तो गाइस वो जो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको अपने डिवाइस मैनेजर में जाना है, तो गाइस आपको अपने यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा DVD CD ROM ड्राइव। और गाइस आपका जो यहाँ पे डीवी राइटर है, यहाँ पे मेरे जो है गोल्डन का डीवी राइटर है, इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाना है। बाकी गाइस आप देख सकते कितना स्लो हो चुका है लैपटॉप। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा CD ROM है DVD राइटर गोल्डन का, और गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है साइज 9.5 mm, जो कि गाइस मैंने मंगवाया। तो गाइस यहाँ पे भी देख सकते हैं 9.5 mm आपको यहाँ पे कैडी का साइज देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस ऑलमोस्ट यही कैडी का साइज होता है, बट गाइस किसी किसी में गाइस यहाँ पे 12.5 mm भी होता है। तो गाइस आप अपने यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे कैडी को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और गाइस इसके अंदर जो मैं यहाँ पे रैम भी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने लैपटॉप में, वो गाइस मैं आपको एक रैम भी दिखा देता हूँ। तो रैम मैंने यहाँ पे मंगाई थी, तो इसका मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो गाइस ये मेरा बिल है रैम का, ये मेरे को पड़ी है 595 रुपये। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मंगाई थी Alcatron की, तो गाइस आप देख सकते हैं ये 1600 MHz की है। और गाइस ये लैपटॉप की रैम है और 4 GB की रैम है, तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगी। बाकी गाइस इसकी MRP आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन की है। और गाइस अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे अपने रैम को कैसे सेलेक्ट करना है, कि आपके लैपटॉप में रैम जो है कौन सी लगी हुई है, कितने MHz की है। तो गाइस आपको यहाँ पे जाना है अपने, आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है CPU Z। बाकी गाइस आप लैपटॉप की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल स्लो है, अभी भी प्रोसेसिंग यहाँ पर स्लो हो रही है, ये सॉफ्टवेयर तक नहीं ओपन कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑन हो चुका है, तो गाइस आप देख सकते हैं आपने गाइस यहाँ पे आना है मेमोरी में। और गाइस इसके अंदर जो है मेरी रैम यहाँ पे DDR3 रैम है, तो गाइस आप देख सकते हैं टाइप में यहाँ पे लिखा मेंशन है DDR3, ये सिंगल चैनल पे रन हो चुकी है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मेगाहर्ट्ज़ कितने मेगाहर्ट्ज़ की है, गाइस यहाँ पे देखा 1600 MHz की है। गाइस ये थोड़ा यहाँ पे कम शो करता है, क्योंकि थोड़ी लैपटॉप यहाँ पे कंज्यूम करती है मेमोरी। बाकी गाइस अगर आपको अच्छे से यहाँ पे पता लगाना है, तो गाइस आप आना है आपको टास्क मैनेजर पर,
ये दूसरा ऑप्शन है जानने का, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज नहीं करते। तो परफॉर्मेंस में गए टास्क मैनेजर के बाद, तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी में आना है, तो वैसे यहाँ पे भी आप 16 आपको देखने को मिल जाएगा 1600 मेगाहर्ट्ज स्पीड। तो वैसे इससे जो आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, इसमें दो स्लोट है लैपटॉप में। तो वैसे आप देख सकते हैं अभी मेरा जो लैपटॉप है सिंगल स्लोट पर यहाँ पे रन कर रहा है। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और रैम इंस्टॉल कर दूँगा गाइस, तो वैसे आप देख सकते हैं ये वाली रैम जो है मैं इसके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँगा, और गाइस ये रैम जो है लगाने के बाद ये 8 GB हो जाएगा, वो जो मैं गाइस आपको दिखाऊंगा। और गाइस जब SSD आपकी लग जाएगी वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, अभी जो है यहाँ पे HDD शो कर रहा है, यहाँ पे गाइस SSD भी यहाँ पे शो करेगा, वो गाइस मैं आपको जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। तो गाइस अब मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप वो कर दिया यहाँ पे शट डाउन, और गाइस अब जो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में यहाँ पे SSD इंस्टॉल करने वाला हूँ और साथ में रैम। तो गाइस उससे पहले गाइस मैंने अपने लैपटॉप को यहाँ पे शट डाउन जो है कर दिया है। और तो गाइस अब जो मैं अपना लैपटॉप को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे खोल रहा हूँ, तो गाइस आप देख सकते हैं आप भी अपने लैपटॉप को यहाँ पे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे सारे स्क्रू खोल देता हूँ, उसके बाद आपको आगे प्रोसेस यहाँ पे बताता हूँ। तो इस लैपटॉप के मैंने यहाँ पे सारे स्क्रू जो है यहाँ पे खोल दिए हैं, और गाइस जो इग्नाइटर भी यहाँ पे रिमूव कर दिया है भाई। गाइस अब जो है मैं लैपटॉप पे यहाँ पे बैक पैनल आया, तो गाइस ये जो है इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और गाइस ये जो बैक पैनल आपको काफ़ी सेफली यहाँ पे खोलना है, और गाइस कुछ ऐसे यहाँ पे पतली चीज़ से गाइस इसको ओपन कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे जो इसके लॉक है वो टूट ना जाए। तो गाइस तो काफ़ी सेफली आपको इसको खोलना पड़ेगा, कुछ इस तरह से गाइस आप इसको खोल सकते हैं साइड साइड आप साथ। तो वैसे आपको लॉक की आवाज़ भी आ रही होगी, तो वैसे कुछ ऐसे रिमूव हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी से इसको खोल लेता हूँ। तो गाइस आपने यहाँ पे देख लिया है, मैंने काफ़ी सेफली काफ़ी नॉर्मली इसको यहाँ पे ओपन कर लिया है भाई। गाइस आप देख सकते हैं किसी ने यहाँ पे पहले अगर लैपटॉप खुला हुआ नहीं देखा हुआ है तो गाइस वो देख सकते हैं लैपटॉप का अंदर सिस्टम जो क्या है। ये हमारा मदरबोर्ड है, यहाँ पे फैन है, और गाइस यहाँ पे एक रैम का स्लॉट भी है हमारा, जिसके अंदर यहाँ पे 16 MHz की यहाँ पे सैमसंग की रैम लगी हुई है, जिसमें यहाँ पे हम दूसरी रैम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। बाकी गाइस ये हमारी हार्ड ड्राइव है, तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी जगह गाइस हम यहाँ पे SSD यहाँ पे SSD यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके अलावा अनबॉक्स कर लेते हैं ये WKN की 240 GB रिमूव बिफोर इंस्टॉलिंग। तो कैसे ऐसे आप इसको रिमूव कर सकते हैं, तो गाइस हमें यहाँ पे अपनी हार्ड ड्राइव पे यहाँ पे रिमूव करना है, तो गाइस इसको मैं यहाँ पे जल्दी से खोल लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने हार्ड डिस्क जो है रिमूव कर दिया, बाकी गाइस आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क हमारी यहाँ पे ये रही और SSD हमारे पे ये रही, और गाइस ये दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है। तो गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल साइज़ है बिल्कुल सेम है। और गाइस यहाँ पे जहाँ पे हमने अपनी हार्ड डिस्क यहाँ पर रिमूव किया है, यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी SSD जो कि हमारी यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी होने वाली है, और जहाँ पे हमने डेटा ड्राइव रिमूव किया है वहाँ पे हम लगाने वाले हैं हार्ड डिस्क, जहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी तरह यहाँ पे यूज़ होगी। तो गाइस आप देख सकते हैं आपको जब हार्ड डिस्क आप यहाँ पे रिमूव करेंगे तो गाइस साइड में आपको यहाँ पे ब्रैकेट जो है देखने को मिल जाएगा, ये ब्रैकेट हमें यहाँ पे रिमूव करने हैं, और जो कि हमने यहाँ पे SSD यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं ये ब्रैकेट। तो गाइस इस ब्रैकेट को यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ और SSD में यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर गाइस हमारे यहाँ पे SSD जो है यहाँ पे लग जाएगी। वो गाइस आप वीडियो में देखते रहना, प्रोसेस जो है बिल्कुल आसान है, ये मैं अभी यहाँ पे रिमूव जो है कर लेता हूँ।
तो इस ब्रैकेट जो हमने यहाँ पे लगा लिया, अब जो गाइस हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट को और कुछ इस तरह से गाइस ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं इसको आपको लगा के ऐसे प्रेस कर देना है और ब्रैकेट जब आप यहाँ पर लगा दें और गाइस अपने नेटबॉल को यहाँ पे इंस्टॉल जो है कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे गाइस ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो गाइस आप देख लिया है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी नॉर्मल है गाइस, आप कर सकते हैं। बस आप अपने लैपटॉप को थोड़ा ध्यान से खोल लें, बस आपके इसके लैपटॉप के जो लॉक वगैरह वो ना टूट जाए तो इजीली आप कर सकते हैं। बाकी गाइस अब जो ये लैपटॉप यहाँ पे खुल गया, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ उसको साफ़ भी कर लूँ, थोड़ा क्लीन भी कर लेते हैं। तो लैपटॉप जो है बार बार नहीं खुलते हैं, तो गाइस मैं थोड़ा सा क्लीन भी कर लेता हूँ। तो भाई SSD हमारी यहाँ पे लग चुकी है और RAM भी हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब जो है गाइस यहाँ पे हम जो है अपनी हार्ड डिस्क यहाँ पे लगाने वाले हैं और इसके लिए हमें कैडी की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो वैसे आप देख सकते हैं और ये हमारी हार्ड डिस्क तो कुछ इस तरह से लग जाएगी। तो वैसे आप देख सकते हैं काफ़ी नॉर्मली काफ़ी ईजिली ये यहाँ पर लग चुकी है कैडी के अंदर। और यहाँ पे गाइस हमें जो कैडी सा स्क्रू देख रहे मिलते हैं ये इसके अंदर यहाँ पे लगाने हैं आपको। वैसे यहाँ पे जल्दी से लगा देता हूँ स्क्रू चारों के चार। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क जो है इंस्टॉल हो चुकी है कैडी के अंदर और चारों स्क्रू मैंने यहाँ पे कस दिया है। अब गाइस हमें चाहिए अपना डीवीडी राइटर और गाइस का जो ये फ्रंट वाला ये है, तो भाई ये हमें यहाँ पे रिमूव करना है, जो कि आपको यहाँ पे कैडी में लग जाएगा, जिससे आपके यहाँ पे साइड की जो लुक है वो बन जाती है, जिससे कि आप काफ़ी भद्दा नहीं लगता। अगर कोई आपका लैपटॉप देखेगा तो पता नहीं लगेगा कि ये डीवीडी राइटर है या हार्ड डिस्क है। तो ये जो है यहाँ पे वैसे रिमूव कर लेता हूँ, ये ईजिली काफ़ी नॉर्मली निकल जाएगा कुछ इस तरह से। तो वैसा देख सकते हैं तो वैसा देखते कुछ इस तरह से निकल जाएगा और निकालने के बाद आपको यहाँ पर ये इंस्टॉल करना है। और गाइस यहाँ पर ये लग चुका है, तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी नॉर्मल काफ़ी इजीली ये लग चुका है, उसकी लुक भी जो है यहाँ पे बन गई है। हमें पता ही नहीं लगा कि ये इसके अंदर ये हार्ड आपका डीवी राइटर भी था। और गाइस अब जो है इसके अंदर गाइस आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको आपको रिमूव करना है। तो गाइस जो आपने यहाँ पर ये निकाला है इसको यहाँ पर आपको कैडी में इंस्टॉल करना है। तो गाइस ये लग जाएगा, मैं इसे जल्दी से लगा देता हूँ कैडी के अंदर। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है ये कैडी के अंदर और गाइस ये यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं और गाइस हमारे अंदर की जो है सारी फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइस मैं इसके अंदर बैक पैनल यहाँ पे लगाने वाला हूँ और गाइस अब जो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिलता हूँ विंडो इंस्टॉल करने के बाद। तो वैसे आप देख सकते हैं तो गाइस हमारे यहाँ पे सारा प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका है, SSD हमारे पे लग चुकी है और RAM जो हमारे यहाँ पे लग चुकी है और जो गाइस ये विंडो यहाँ पे रन हुई है या हार्ड डिस्क पे यहाँ पे रन हुई है। तो गाइस एक बार जो मैं आपको यहाँ पे अपनी RAM जो यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके लिए गाइस हमें जाना है किस PC में प्रॉपर्टीज में। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे RAM हो चुकी है 8 GB आ चुका है, जो इससे पहले यहाँ पे 4 GB शो थी।
और अब जो गाइस हम चलते हैं अपने यहाँ पे एसएसडी में। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैं बड़ी स्क्रीन लेता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी रैम जो है यहाँ पे मेमोरी पे DDR3 8GB रैम हो चुकी है और यहाँ पे दो चैनल यहाँ पे चल चुके हैं 16 मेगाहर्ट्ज की। भाई गाइस हमारे यहाँ पे SSD भी आ चुकी है, तो गाइस आप देख सकते हैं डिस्क SSD। तो गाइस आपके SSD जो है यहाँ पे लगने के बाद जो अभी यहाँ पे नहीं वर्क करेगी, क्योंकि गाइस उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे एक और सेटिंग पर जाना है, वो जो गाइस मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट पर, डिस्क मैनेजमेंट पार्टीशन। तो गाइस जैसे ही आप इसको यहाँ पे आओगे, कोई बड़ी स्क्रीन पर कर देते हैं, तो गाइस आप यहाँ पे डिस्क 0 और डिस्क 1। तो गाइस जो मेरी हार्ड ड्राइव है ये 1 TB की डिस्क 1 है और डिस्क जो 0 है ये मेरी SSD है। तो गाइस इसको आपको यहाँ पे पार्टीशन जो है यहाँ पे करना है, तब आपके यहाँ पे डिस्क जो है यहाँ पे रन करेगी। तो गाइस आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम पर जाना है और उसको नेक्स्ट कर देना है। और गाइस यहाँ पे पार्टीशन मांगेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो पार्टीशन यहाँ पे कर सकते हैं। बट गाइस मैं इसमें यहाँ पे पार्टीशन जो जितनी है उतनी रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इसी SSD से यहाँ पे रन करने वाला हूँ। और गाइस इसमें मैं सिर्फ एक ड्राइव जो है यहाँ पे बनाने वाला हूँ। और गाइस ये आप यहाँ पे अपने ड्राइव पर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ABCD क्या रखना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए रख दिया है। तो गाइस अब जो है मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट हो चुकी है मेरी ड्राइव, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम ए भी बन चुका है, गाइस यहाँ पे नीचे शो हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे मैंने फॉर्मेट किया। और गाइस अब जो है मैं यहाँ पे अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर इंस्टॉल करने वाला हूँ, जो कि विंडो 10 है, इसके अंदर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद आपको इसकी स्पीड जो है दिखाऊंगा क्या इसमें इंप्रूवमेंट यहाँ पे आई है। मैं आपको एक बार फिर यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे हमने इसको यहाँ पे फॉर्मेट किया अपने SSD को, तो गाइस वो आपके यहाँ पे माई कंप्यूटर में भी शो हो जाएगी। तो गाइस मैं चलता हूँ PC। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ड्राइव जो है बन के आ चुकी है 223 GB। तो गाइस आप देख सकते हैं बाकी की ड्राइव मेरे यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं बाकी जो हमारी यहाँ पे विंडो रन हुआ है, यहाँ पे हार्ड डिस्क से रन हुआ है, यहाँ पे सिंबल भी यहाँ पे आ चुका है विंडो 10 का। बाकी जो ये विंडो है मैं यहाँ पे SSD में इंस्टॉल करने वाला हूँ। अब जो गाइस मैं यहाँ पे विंडो कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी स्पीड जो है यहाँ पे दिखाता हूँ। तो गाइस विंडो 10 मैंने इंस्टॉल जो है कर दी है SSD में। अब जो है गाइस हम देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पे आई है। तो गाइस इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे प्रीमियम प्रो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया है। बाकी गाइस एक बार जो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी परफॉर्मेंस। तो जैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले से ओके किया तो साथ साथ ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। और गाइस इसमें जो है मैं यहाँ पे एक बार प्रीमियम प्रो भी यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस आपको थोड़ा यहाँ पे लैग भी देखने को मिल सकता है एडिटिंग करते टाइम और गेम खेलते टाइम, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है थोड़ा डाउन है, क्योंकि पुराने टाइम के यहाँ प्रोसेसर यहाँ पे डले हुए हैं, तो गाइस प्रोसेसर भी यहाँ पे थोड़ा मायने रखता है। तो मगर आपको यहाँ पे नॉर्मल टास्किंग के लिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पे SSD यहाँ पे वर्क जो है करेगी, और रैम ने भी यहाँ पे अच्छे जो है वर्क जो है किया है। बाकी गाइस आप देख सकते हैं प्रीमियम प्रो भी यहाँ पे खुल गया है और यहाँ पे प्रीमियम प्रो भी यहाँ पे अच्छे से जो है वर्क जो है कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसे मैंने यहाँ प्रीमियम प्रो पहले भी यहाँ पे चलाया है, यूज़ किया है इसी लैपटॉप में। ओके गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम प्रो भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, आपको चला कर दिखा देता हूँ। तो ये वाली वीडियो जो है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं। तो ये इंपोर्ट भी है काफ़ी फास्ट यहाँ पे हो चुकी है। ट्रैक ड्रॉप करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं प्रीमियम प्रो भी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे चल रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही। मैं एक बार आपको यहाँ वीडियो भी यहाँ पे चला कर दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे चल रही है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है और प्रीमियम प्रो यहाँ पे अच्छे से यहाँ वर्क जो है कर रहा है। बाकी गाइस परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पे आई है लैपटॉप में। और एक बार जो मैं आपको यहाँ पे क्रोम भी चला कर दिखा देता हूँ और यहाँ पे यूट्यूब सर्च करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब भी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कोई वीडियो यहाँ पे चला देता हूँ, जैसे यहाँ पे वीडियो
देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे चल रहा है, कोई भी लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा SSD इंस्टॉल करने के बाद। और साथ में कोई एक रैम आप देख सकते हैं, तो रिस्पॉन्स वगैरह काफ़ी अच्छा है लैपटॉप का। तो जो भी आप यहाँ पे कमांड दोगे तो वो अच्छे से यहाँ पे ओपन हो जाएगा और भी कोई भी लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप इसमें आप मल्टीटास्किंग जो है कर सकते हैं। ये गाइस कितना मैंने फिल्मोरा भी यहाँ पे इंस्टॉल किया था, तो फिल्मोरा भी मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। ये भी एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्मोरा भी यहाँ पे रन हो चुका है, काफ़ी फास्ट जो है यहाँ पे फिल्मोरा यहाँ पे रन हो चुका है। वैसे आप देख सकते हैं फिल्म और अभी अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। इसमें मैं वीडियो आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, जैसे आप वीडियो यहाँ पे ऐड करते हो तो ये भी अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस एडिटिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है, अब कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हो चुकी है गाइस लैपटॉप की, भाई गाइस आपने यहाँ पे देख लिया है। तो गाइस आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया आप अपने लैपटॉप में जो है SSD यहाँ पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ में रैम भी जो है कैसे इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं। भाई गाइस मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया है। भाई गाइस अगर आपका लैपटॉप 7 से 8 साल पुराना है उसके अंदर गाइस आपको यहाँ पे SSD की जो है जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। भाई गाइस आप देख सकते हैं और यहाँ पे स्पीड में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पे लैपटॉप में हुई है। और अब जो मैं यहाँ पे इसी लैपटॉप से यहाँ एडिटिंग भी करने वाला हूँ और जो उसके अंदर आप मल्टीटास्किंग जो है कर सकते हैं। भाई गाइस अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। भाई गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।